असल फ्रेंड्स मैं हूँ आयुब खान और आप देख रहे हैं आयुब खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक्स क्लास नाइन का जो चैप्टर नंबर थ्री है डायनामिक्स ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले डायनामिक्स की डेफिनेशन लिखते हैं कि डायनामिक्स होता क्या है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच यू स्टडी अबाउट द काज ऑफ मोशन डायनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के काजेस को स्टडी करते हैं कि मोशन के रीजन क्या है वो तमाम चीज़ें हम डायनामिक्स में स्टडी करते हैं उसके बाद आते हैं फोर्स की तरफ जो हमारा मेन टॉपिक है फोर्स आज हम फोर्स को पढ़ते हैं इसके टाइप्स पढ़ते हैं यूनिट जो फोर्स है वो पढ़ते हैं ठीक है सबसे पहले मैं आपको फोर्स समझाने की कोशिश करता हूँ कि फोर्स होता क्या है सबसे पहले आपने फोर्स को समझना है फिर उसके बाद अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊँगा लिखूंगा तो आप डेफिनेशन भी आसानी से याद कर सकेंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फोर्स होता क्या है फोर्स इज एन एजेंट विच कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है फोर्स इज एन एजेंट विच कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट तो फोर्स वो एजेंट है जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है ठीक है डाय फुटबॉलर तो उस फुटबॉल को की क्या थी? कि वो फुटबॉलर की तरफ आता था अब क्या हुआ कि जब फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक मारा तो वो अपोसट डायरेक्शन में मूव करने लगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई इसलिए हम कहते हैं कि फोर्स इज एजन कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो ये कौन करता है डायरेक्शन कौन चेंज करता है फोर्स करता है तो एक पॉइंट ये हो गया कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दूसरा हमारे पास है फोर्स एन एजेंट कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट ठीक है विच कैन चेंज स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट यही एग्जाम्पल हमारे पास है राइट वो फुटबॉल शुरू में क्या था सपोज स्लो मोशन में आ रहा था उसकी स्पीड कम थी ठीक है तो वो फुटबॉलर ने जब फुटबॉल को किक मारा तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई ठीक है इसमें क्या हुआ इस स्पीड उसकी चेंज हो गई तो इस स्पीड किस वजह से चेंज हुआ फोर्स की वजह से उस फुटबॉलर ने फुटबॉल पर फोर्स अप्लाई किया इस वजह से उ, उस फुटबॉल की स्पीड चेंज हो गई तो हम कह सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट तो इन दोनों को साथ मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स इज एन एजेंट विच कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो हम जानते हैं कि जब भी हम स्पीड और वेलोसिटी को ऐड करते हैं हमें प्रोडक्ट में वेलोसिटी ऑब्टेन होता है तो हम इन दो पॉइंट्स को मिलाकर यह भी कह सकते हैं कि फोर्स इज एन एजेंट विच कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ठीक है तो पॉइंट नंबर वन और टू को मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज एन एजेंट विच कैन चेंज लास्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फोर्स इज एन एजेंट विच कैन चेंज द वेलोसिटी of an object. अब ये मैंने क्यों कही क्योंकि velocity में क्या होता है direction और speed होता है ठीक है Velocity is equals to speed plus direction. Okay. तो हमारे पास शुरू के दो पॉइंट्स क्या थे एक में डायरेक्शन चेंज होता था दूसरे में स्पीड तो हमने दोनों को एक साथ मिलाकर कह दिया कि कैन चेंज द ऑफ़ मूविंग ऑब्जेक्ट ठीक है ये दो पॉइंट्स तो आपको समझ में आ गए होंगे अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर थ्री इसमें क्या होता है कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओके फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसका मतलब क्या है कि स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट से हमारा क्या मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है सपोज एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम उसमें फोर्स एग्जर्ट करके उसको मोशन में ले आ सकते या एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको रेस्ट में ले आ सकते तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि वो रेस्ट में है या मोशन में है ठीक है तो हम फोर्स एग्जाइट करके मोशन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रेस्ट में ले आ सकते हैं और रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मोशन में ले आ सकते हैं तो ये कौन करता है फोर्स ओके okay? जो चौथा पॉइंट है फोर्स का वो है जो लास्ट पॉइंट विच ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओके विच टेंज ट्राइज टू चेंज टें ऑब्जेक्ट अब इसका मतलब क्या है देखे सपोज हम एक वाल को पूछ कर रहे हैं ठीक है अब यह जाहिर सी बात है कि हम दीवार को जो है मोशन में नहीं ले आ सकते उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते वाल को ठीक है इसका मतलब ये तो नहीं कि हम फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहे हैं फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन दीवार जो है वो भारी होता है उसको हम डिस्प्लेस नहीं कर सकते ठीक है तो इसलिए तो तो हम कहते हैं विच टेंस टू चेंज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है ठीक है टेंस टू चेंज मीन्स ट्राइज टू चेंज जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है जैसे हम अभी हमने कहा कि सपोज हम किसी हैवी ट्रक को जो मोशन में उसको रोकने की कोशिश करते हैं ठीक है तो ये हमारे बस की बात नहीं कि हम ट्रक को रोक सकें ठीक है तो क्योंकि वो बहुत हैवी होता है तो हम तो कोशिश करते हैं फोर्स एग्जर्ट करते हैं ठीक है उसको रोकने के लेकिन वो रुकता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहे है। हैं हम तो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं लेकिन वो रुक नहीं रहा ठीक है उसके स्टेट को हम चेंज नहीं कर पाते लेकिन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना तो इसलिए हम कहते हैं फोर्स इज एन एजेंट विच चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन चारों पॉइंट्स को मिलाकर हम फोर्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं फोर्स इज एन एजेंट विच कैन चेंज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच चेंज इज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओके डेफिनेशन हम लिख लेते हैं Force is an agent which can change the velocity of an object and changes are tries to change the state of an object okay? force is an agent which can change the velocity of an object and changes or tries to change the state of an object. तो फोर्स क्या करता है विलास्टी को चेंज कर सकता है उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है या उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर सकता है ठीक है तो ये होता है फोर्स ठीक है अब आते हैं फोर्स के टाइप्स की तरफ सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स ओके टाइप्स ऑफ फोर्स यहां पे हमारे पास दो टाइप्स हैं फोर्स की पहले नंबर पे आता है कंटेक्ट फोर्सेस और सेकेंडली हमारे पास है नॉन कंटेक्ट फोर्सेस तो पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं कंटेक्ट फोर्सेस के कंटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं वो फोर्सेस जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं उसके साथ फिजिकली अटेच होके फोर्सेस आर दो फोर्सेस व्हिच आर अप्लाइड व्हिच आर अप्लाइड एन एन ऑब्जेक्ट विथ पिंक इन कॉन्टेक्ट जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स एग्जर्ट कर सके उसके साथ फिजिकली अटैच होकर उस तरह के फोर्सेस को कहते हैं कंटेक्ट फोर्सेस ओके सो दीस आर कंटेक्ट फोर्सेस फॉर एग्जांपल जब हम किसी कार को धक्का देते हैं तो आप तब हम उसके साथ फिजिकली अटैच होकर उसको धक्का देते हैं ठीक है तो ये क्या है कंटेक्ट फोर्सेस की एग्जांपल है ठीक है टू पुश ए कार ये क्या है कंटेक्ट फोर्स है जब भी हम कार को धक्का देते हैं या किसी भी चीज को हम डिस्प्लेस करते हैं उसको धक्का देते हैं पुश करते हैं तब हम उस पर कंटेक्ट फोर्स अप्लाई कर अब आते हैं नॉन कंटेक्ट फोर्सेस की तरफ नॉन कंटेक्ट फोर्सेस क्या होती हैं? नॉन कंटेक्ट फोर्सेस नॉन कंटेक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो हम किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई तो करते हैं लेकिन फिजिकली अटैच नहीं होते हैं ठीक है नॉन कंटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं वो फोर्सेस होते हैं जो किसी चीज़ पर अप्लाई होते हैं लेकिन कंटेक्ट में नहीं आते सच टाइप ऑफ फोर्सेस व्हिच कैन बी अप्लाइड विदाउट बीइंग इन कंटेक्ट जो कंटेक्ट में आए बगैर अप्लाई हो उस तरह के फोर्सेस को हम कहते हैं नॉन कंटेक्ट फोर्सेस ठीक है सच टाइप ऑफ फोर्सेस Which can be applied without being in contact। जो कंटेक्ट में आए बगैर अप्लाई अप्लाय इस तरह के फोर्सेस को हम कहते हैं नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। ठीक है जो फिजिकली अटैच हुए बगैर जो फोर्सेस एग्जर्ट हो सकते हैं अप्लाई हो सकते हैं इस तरह के फोर्सेस को हम कहते हैं नॉन कंटेक्ट फोर्सेस। अब नॉन कंटेक्ट फोर्सेस की एग्जांपल्स है हमारे पास नंबर वन ग्रेविटी ओके ग्रेविटी ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो कंटेक्ट में आए बगैर भी अप्लाई हो सकती है ठीक है ग्रेविटी ओके सेकेंडली हमारे पास है फोर्स ऑफ चार्जेस एक चार्ज का दूसरे चार्ज पे जो फोर्स एग्जर्ट होती है उसको हम कहते हैं नॉन कंटेक्ट फोर्स ठीक है सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है अब इनमें क्या होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ठीक है तो ये फोर्स क्या है नॉन कंटेक्ट फोर्स है ये दोनों आपस में फिजिकली अटैच नहीं है लेकिन फिर भी फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पर इस तरह के फोर्सेस को हम कहते हैं नॉन कंटेक्ट फोर्सेस तीसरे नंबर पे हमारे पास है फोर्सेस ड्यू टू मैग्नेटिज्म मैग्नेट्स की वजह जो फोर्सेस अप्लाई होते हैं वो भी नॉन कंटेक्ट फोर्सेस होते हैं सपोज दो मैग्नेट्स हैं हमारे पास ठीक है ये एक मैग्नेट है ये एन पोल है ये एस पोल है और इस मैग्नेट का ये एन पोल है और ये एस पोल है अब इनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ओके okay? सो so, यहाँ पे भी आप देखें तो ये दो मैग्नेट्स आपस में फिजिकली अटैच नहीं है लेकिन फिर भी एक दूसरे पर फोर्स एग्जार्ट कर सकते हैं इस तरह के फोर्सेस को हम कहते हैं नॉन कंटेक्ट फोर्सेस अब ये जरूरी नहीं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हो ये रिपल्शन भी हो सकती है ठीक है यहाँ पे आप देखें तो दोनों चार्जेस अगर नेगेटिव हो तो इनमें क्या होगी रिपल्शन फोर्स होगी ओके रिपल्शन फोर्सेस ये भी क्या है नॉन कंटेक्ट फोर्सेस है अगर आपके जहन में भी कोई इस तरह का नॉन कंटेक्ट फोर्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नॉन कंटेक्ट फोर्सेस को हम फील्ड फोर्सेस भी कह सकते हैं ओके नॉन कंटेक्ट फोर्सेस को हम कह सकते हैं फील्ड फोर्सेस फील्ड फोर्सेस भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं एक्शन एट डिस्टेंस फोर्सेस ओके एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्सेस ये दो नाम नॉन कंटेक्ट फोर्सेस के ही हैं ठीक है नॉन कंटेक्ट फोर्सेस को हम या तो फील्ड फोर्सेस कह सकते हैं या एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्सेस कह सकते हैं तो अब बारी आती है फोर्स के यूनिट को डिस्कस करने की यूनिट ऑफ फोर्स तो, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है ओके okay? इसको हम एन से डिनोट करते हैं कैपिटल एन से ठीक है कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है ठीक है और अब एक न्यूटन जो है वो कितना होता है ये हम कंपेयर कर सकते हैं ठीक है तो ये हम कह सकते हैं कि एक न्यूटन फोर्स होता है जब हम एक किलोग्राम मास में वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करें जब भी हम एक किलोग्राम मास के अंदर एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इसमें अप्लाई होने वाली फ़ोर्स को हम वन न्यूटन कह सकते हैं ठीक है तो न्यूटन कितना होता है जब भी हम एक किलोग्राम मास के अंदर वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सके तब हम उसमें अप्लाई होने वाले फोर्स को वन न्यूटन कह सकते हैं ठीक है थीके? अब ये कहाँ से आई है ये आता है न्यूटन के सेकेंड लास्ट से एफ इज इक्वल्स टू एम ए फोर्स इज इक्वल्स टू मास इन टू एक्सेलेशन ये आगे हम पढ़ेंगे आई होप कि यहाँ तक सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह